अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम फिजान तनवीर फ्रॉम एफटी प्रेजेंटेशन। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग पूरी देख लेते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करके उर्दू के पेपर में अच्छे नंबर किस तरीके से ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्दू के पेपर में ऑब्जेक्टिव के 20 नंबर होते हैं। ये मैं किसी भी क्लास के स्पेसिफिक क्लास के हवाले से नहीं कह रहा, ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के यही एक पैटर्न है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 मार्क्स होते हैं और एक एमसीक्यूज एक नंबर का होता है। तो ये 20 मार्क्स लेना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग ये 20 मार्क्स की प्रिपरेशन ना करें तब क्या होगा, तब हमारे 20 मार्क्स डायरेक्टली हमारे पेपर से कट जाएंगे। तो ये चीज़, ये जो सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग को इसको प्रिपेयर करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप को किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि आप लोगों की एमसीक्यू टाइप में कोई गलती ना हो और आपको इसमें पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके और आप वो वीडियोस भी देख के अपने पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिए, स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट को समझ सकता है। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं कि एमसीक्यूज किस तरीके के होते हैं। मैं आपको उर्दू के पेपर के हवाले से अभी आज की वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन जब आप लोगों के इंशाल्लाह पेपर करीब आएंगे तो मैं आप लोगों को आप लोगों की क्लासेस वाइज 10th 9th 10th वगैरह के मतलब स्पेसिफिक क्लास के हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियोस बताऊंगा और बताऊंगा कि आप लोगों ने क्लासेस वाइज किस तरीके से एमसीक्यूज तैयार करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आप लोग जानते हैं कि उर्दू के पेपर में, या अगर नहीं भी जानते कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उर्दू के पेपर में दो होते हैं, यानी कि एक आपका जो टेक्स्ट बुक होती है वो होती है, यानी कि जिसमें हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल होती है। इसी तरह आप लोगों के हाफ ऑब्जेक्टिव बनती है ग्रामर वाले पोर्शन से। अब जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आप लोगों को बुक में नहीं दिया जाता, यानी कि टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ग्रामर वाला पोर्शन नहीं दिया जाता। इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार करनी है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप लोग किसी भी कंपनी के, किसी भी पब्लिशर के नोट्स खरीद लें। मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगा ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो होंगे यूनिक नोट्स, अजीम नोट्स, ठीक है, इसी तरह हमदर्द नोट्स या IT सीरीज नोट्स। ये वो 4-5 नोट्स हैं, ये सीरीज हैं जिस जो आप लोगों को हर चैप्टर के एक अच्छे तरीके से 50 या 30 या 50 एमसीक्यूज मिल जाते हैं और ये आप लोगों के पूरे चैप्टर को पूरे निचोड़ के एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तब आप लोगों को कोई भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को ना आता हो, ठीक है। तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा, इन एमसीक्यूज के अलावा भी आप लोगों को एक ना एक मरतबा आपने पूरी बुक को थोड़े लिए लाजमी से पढ़ा हो, क्योंकि अगर आप लोग अपने हर चैप्टर को थोड़ी सी एक बार रीड कर लेंगे ना, तो आप लोगों को चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं उनमें भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते हैं जो कि याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो दिखने में हमें एमसीक्यूज नहीं लग रहे होते, लेकिन उसमें से भी एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप लोग बुक को रिवाइज कर रहे हो, इसके साथ जो आप लोगों को बुक के एंड पे शो क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, उसमें से भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। तो अगर आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे, एक बार चैप्टर रीड कर लेंगे, एक बार आप लोग जो उसके पीछे सवाल हैं वो पढ़ लेंगे, तो आप लोगों के 60% एमसीक्यूज वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो आप लोगों के हिस्से नसर में से आने हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक में से आने हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप लोग यहाँ पे नोट्स से भी पढ़ेंगे तब आप लोगों के ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा, लेकिन वो जो टिप है वो आप लोगों को वीडियो के एंड पे दूंगा, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू लाजमी से कीजिएगा, वो टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोगों ने ग्रामर पोर्शन कहाँ से करना है। अब ग्रामर पोर्शन डिफरेंट क्लासेस के हवाले से डिफरेंट होता है, ठीक है। कहीं तस्कीर तानीस होती है, कहीं आप लोगों को रमूज़े और काफ़ दिए जाते हैं, कहीं अदबी असलाहत होती हैं, कहीं शेरी असलाहत होते हैं, तो ये क्लासेस वाइज डिफरेंट होते हैं। तो हर क्लास के हिसाब से जो आप लोग नोट्स खरीदेंगे, ठीक है, उसके भी एंड पे आप लोगों को ग्रामर पोर्शन दिया जाएगा, जहाँ पे एमसीक्यूज तफसील दिए जाएंगे, तब आप लोगों ने उसको लाजमी से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके 50% मार्क्स उन ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर वाले पोर्शन है उसमें से आएंगे। तो उनको आप लोगों ने हरगिज़ स्किप नहीं करना। ये नहीं करना कि आप लोग सिर्फ एक टाइप के जो याद करें टेक्स्ट बुक वाले और ग्रामर को छोड़ दें, क्योंकि ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये आप लोगों ने लाजमी से प्रिपेयर करनी है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने जो एक टिप जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा, वो ये टिप देना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भी आप लोग अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रिपेयर कर रहे हों,
तब आप लोगों ने ज़्यादातर उन पे फोकस करना है। ये जब यूनिक में आप लोगों को ये यूनिक नोट्स या अजीम नोट्स, इनमें क्या दिया होता है, यहाँ पर आप लोगों को हर एमसीक्यूज के आगे उनका बोर्ड दिया गया होता है कि ये किस बोर्ड में आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ वो वाले एमसीक्यूज ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने जो किसी न किसी बोर्ड में आए हो। ज़रूरी नहीं है वो लाहौर बोर्ड में आए हो या फिर वो गुजरा वाला बोर्ड में आए या फिर वो सरगोधा बोर्ड में आए हो, इस तरह आप लोगों ने नहीं, आप किसी भी किस्म के बोर्ड में वो आए हुए ना एमसीक्यूज, तो आप लोगों ने ज़्यादा उनको फोकस करना है। और जिनके आगे नहीं लिखा कि ये किसी बोर्ड में आया, तो उनको आप लोग ज़्यादा प्रिपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड में क्या होता है, आप लोगों को जो पिछले एमसीक्यूज होते हैं, जो पिछले साल आए होते हैं, वही रिपीट होते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग पेपर पैटर्न देख सकते हैं, गेस्ट पेपर्स देख सकते हैं, और जो आपके पास पेपर्स होते हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप को क्लियर करने के लिए। क्योंकि जब आप लोग वो कर लेंगे तो उसमें ज़्यादातर आप लोग कह सकते हैं कि 70-80% जो एमसीक्यूज होते हैं वो रिपीट होते हैं, लेकिन बस क्या होता है वो शफल कर दिए गए होते हैं, उनकी तरतीब चेंज कर दी गई होती है, बाकी हर चीज़ वही होती है। अगर आप उनका प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों को 20 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी थोड़ी सी मेहनत इस चीज़ पे कर लेंगे, तब आप लोग को इसका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ अगर आप लोग गेस्ट पेपर्स के हवाले से भी कुछ जानना चाहते हैं, तो भी मैं आप लोगों को उसके भी वीडियोस बना के देने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को हर सब्जेक्ट वाइज, हर क्लासेस वाइज आप लोगों को गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये मैं तब करूँगा जब आप लोगों के जो बोर्ड के पेपर होंगे वो करीब होंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने ये नहीं कहना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं वो ये करते हैं कि वो सारा साल सब्जेक्टिव पर ही फोकस करते रहते हैं, कि वो ये समझते हैं कि उनका जो सब्जेक्टिव में अगर वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप लोग अपना एमसीक्यू ही प्रिपेयर नहीं करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो आप लोग के 20 मार्क्स वहाँ से गए, ठीक है। तो 20 मार्क्स अगर आप लोग ओरिजिनल में से माइनस करते हैं, तब आप लोग समझ सकते हैं कि आपके कितने कम नंबर आने वाले हैं। और वो क्या करते हैं, वो जो आपको पेपर्स में एक दो महीने बाकी रह जाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके एक दो महीने पहले वो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करते हैं, और इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग तब ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर सके। तो इसका आप लोगों को सबसे बेहतर हल बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि आप लोग क्या करें, आप लोग अभी से ही आहिस्ता आहिस्ता जो चैप्टर आप पढ़ते जाएं, जिस चैप्टर की प्रिपरेशन करते जाएं, उसके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप्स सारा कुछ साथ साथ करते जाएं। इससे आप लोगों को एंड पे जाकर बर्डन नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में बताया। तो जो लोग अभी तक ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनके बहुत थैंक यू कि उन्होंने अभी तक ये वीडियो देखी और कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा। अगर सीखा है तो वीडियो को बिला झिझक नीचे जाकर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप लोग इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं, इसी तरह की वीडियो चाहते हैं कि आप लोगों की रहनुमाई हो सके बोर्ड के पेपर के हवाले से, तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, और साथ आई बेल के आइकन को लाजमी से दबा देना, ताकि इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में आने वाली आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, और आप उनको देखकर अपने जो पेपर है उनको, उनके जो मार्क्स हैं उनको अच्छा कर सके। ये बात याद रखकर कि हमेशा स्टूडेंट ही स्टूडेंट लाइफ को समझ सकता है, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे एक सेकंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त है, मुझे अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।